नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गाजियाबाद का इनू। तो अभी भैया सो रहा था तो मैं सोचा एंटर कर लूँ, और कान अभी ऐसे ही लेटा हुआ था। मैं और यश अभी दूध पीने जा रहे हैं, तो ठीक है आपसे मिलते हैं जब दूध पी रहे। ये यहाँ पर तीनों बैठे हैं, सुबह सुबह चल रहा है। आप क्या पी रहे हैं? दूध। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मॉर्निंग दूध अच्छा, दूध पी रहा है, उससे कह रहा कोल्ड कॉफी बोलियो। वाह वाह वाह, देखिए हमारे इस लाला को, ये बॉर्नविटा दूध पी रहा है और उसको बोल रहा है कोल्ड कॉफी कि वीडियो में बताइयो कोल्ड कॉफी क्या दूध आकर चैन की नींद सो रहे हैं। इस प्रकार कि इन्हें कोई सुध नहीं है, ये अम्मा के आए हैं और सोच रहे हैं कि मैं यहाँ सोने आया हूँ। ये गहरी निंद्रा में ये सोते हुए। खर्राटे तो नहीं ले रहे आप सर? खर्राटे तो नहीं ले रहे? तो भाई आज तो हमारी बड़ी वाली कढ़ाई भर के व्हाइट सॉस मैक्रोनी बनी है। आज ये सबको ठूस ठूस से खिलाऊंगा। आज तो भैया बिल्कुल ही पेट भर भर के खिलाएं, खाएंगे हम लोग। और मैं अभी सो के उठाऊं। तूने तो नींद पूरी करी है। नहीं, मैं तो पेस्ट भी मैंने बनाया, दिखाया, सबको दिखाऊंगी। तूने कैसे इतना सोया है यहाँ? अच्छा है, आपने बनाई है मेरी वीडियो? ठीक है, लगा देंगे। तीन चूहों के अलावा, चूहों पे मोबाइल के अलावा और कोई काम है नहीं वैसे। क्या लाइक कर दो इस वीडियो? हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। देखो कहाँ फोन के चक्कर में कहाँ तीनों बिल्कुल ही कोने में जाके बैठ गए हैं मैक्रोनी खाने के लिए। और ये बंदा लास्ट वाला मेरे को कैसे घूर के देख रहा है। ये देखो भाई, मैं भी देख लूँ मेरा कहाँ है। खत्म, मेरा भी आ गया है। अब मैं भी अंदर जाके आराम से खा लूँ। सबसे पहले लाइट जलाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। तो अभी तानू करना तो चले गए हैं, और छोटी बहू और यश ये हैं, वो भी आज चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग जाएंगे तो उसके मतलब वो शाम तक जाएंगे, 2 या 3 बजे तक। हम लोग 1 बजे से पहले कोशिश करेंगे ऐसे निकलने, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले तो हमें फिर 2 बजे तक हम लोग एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे, फिर 2 से 4, और फिर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे में तो ऐसी ड्राइविंग सेफ नहीं होती है, मतलब आजकल ठंड भी बहुत हो जाती है। तो चलो इन्जॉय करो आप लोग। मैं बाहर बुला रहे हैं, शायद मैं देख कर आता हूँ। आज मैं बैठी हूँ ड्राइविंग सीट पे, सोचता रहा हूँ कि गाड़ी मैं चला लूँ, लेकिन अनलेस एंड अनटिल मेरे को लाइसेंस में नहीं मिलता तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। और ऐसे चलानी तो आती है मेरे को, बिल्कुल ही भाई ड्राइवर वाली लोग फील आ रही है आराम से। बस हम लोग निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। मम्मी कुछ खा लें, अभी भी नहा के निकले ना, मम्मी कुछ खा लें, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो आप सबसे मिलते हैं फिर रास्ते में। सबको बाय बाय बोलने की बारी है। एक दिन के लिए आए यार, अब आते तो अब आएंगे तो रुक के जाएंगे। हे बाबा, चलो बाय, जा रहा हूँ। ले चल बाबा के, चलो बाय बाय यश, बाय। हाँ, फूफा जी भी आ गए यश को लेने के लिए। घर वापस आए हैं, क्योंकि पीनू अपनी बेल्ट यहीं पे भूल गया था, पश्चिमपुरी वाले चौराहे से वापस आना पड़ा। ये भी ना पीनू, मम्मी ये पीनू कभी कुछ संभाल के क्यों नहीं रखता अपनी चीजें? संभालने तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मैं और मम्मी तो हमने कुछ अमरूद में वहाँ पे काट के मसाला भरवा लिया, तो मैं अपना तो अमरूद खा के ही आ गया, बहुत ज्यादा मीठे थे। तो देखो पहले बोल रहा मेरा तेल नहीं ली बेटा हमने। पहुंचने वाले हैं आगरा टोल पे, और यहाँ पे हमें शायद दिख रहा है पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है हमारी। आज पापा आज इतनी भीड़ क्यों है? आज सब शादियां करके वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये वाली लाइन का तो समझ में आता है, फास्टैग की लाइन है। फास्टैग वाली लाइन में भीड़ होती है अक्सर। ये देखो, ये ऐसे लोग बहुत गलती करते हैं, गलती से कहीं भी गाड़ी डाल देते हैं उसके बाद बैक करते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। गलती कर बैठा। हाँ देखो, सब पीछे तक
वो देखो ऑडी के शीशे पे लिखा है शूटर शूटर। पापा देखो जैसे वो एसयूवी में ऊपर लगा हुआ है ना बैग वैग रखने का, आप भी वैसे ही लगवा लो। ओके। फिर गाड़ी में जगह बहुत बचेगी हमारी। फिर जैसे टीवी हम आगे रख के लाए थे उसके ऊपर डाल देंगे। ओके। इस बारे में मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे मत करने दो, पता चला तेरे पापा मुझे ही ऊपर बिठा इसी को बिठा दो छत में, कोई जरूरत नहीं है सामान की। क्या बात। देखो पापा एग्जाम्पल के तौर पर सामान कैसे जाएगा वो इस गाड़ी पे देखो, घूम के दिखाओ पापा को। हाँ देखो ठीक है, ये रस्सी कौन बांधेगा? रस्सी पापा बांधेंगे, और कौन बांधेगा? भैया मथुरा में तो अलग ही लाइन लगी हुई है गाड़ियों की यार, यहाँ तो आगरा वाले टोल से भी ज़्यादा है। देखो ये देखो ऐसे बीच में मोड़ते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अब बाई चांस अगर गाड़ी स्पीड में आ रही हो फिर क्या करोगे? तो भैया सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है लेकिन थक भी बहुत गए हैं। आगे बैठने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि ड्राइवर के बगल में बैठे हो तो कोई भी गाड़ी चला रहा उसके बगल में बैठे सो नहीं सकते। जैसे पीछे तो आराम से सो जाते हैं, अगर उसके अगर मैं पापा के बगल में भी सो जाऊंगा तो पापा को भी धीरे धीरे नींद आएगी। बाकी अगल से इधर से उधर से आगे से पीछे से हर जगह हॉर्न ही हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। अरे यहाँ पे लोगों को सब्र नहीं है कि ना 5 मिनट रुक जाओ भाई, बिना हॉर्न बजाए भी कुछ हो जाएगा। पापा अच्छे हैं, पापा हॉर्न नहीं बजाते कभी। और अभी मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, अच्छी बात है भाई धूप निकल रही है। अब काश दिल्ली में भी ऐसा ही टेम्परेचर देखने मिले, क्योंकि वहाँ जैसे 2 दिन हम यहाँ थे आज कल और आज, यहाँ पे तो अच्छी खासी धूप निकली है। हो सकता है वहाँ पे ठंड पड़ी हो तो वहाँ ठंड मतलब धूप निकल जाए भाई, जिससे कि दिन के टाइम थोड़ी सी ठंड ना हो। तो चलो मिलेंगे भाई, रास्ते में मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब अभी भी एक्सप्रेस वे पे ही हैं। तो बोर्ड आ गया थैंक यू विजिट अगेन वाला, अभी उतर ही रहे हैं। तो यार बहुत ज़्यादा इस बार तो थक गए बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं खोड़ा में, और ये खोड़ा का हाल अभी तो फिलहाल हमारी गाड़ी चल रही है लेकिन मुड़ने में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि सब आगे चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। पीछे वाले को हाथ दिखा दिया। हाँ कि रुक जाओ भाई। हाँ। रुक जाओ, हम निकले। हम लोग घर तो आ गए लेकिन एक दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारी गली में हमें पता नहीं था कि कुछ फंक्शन चल रहा है तो टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो हम घुमा के दूसरी गली से आए, वहाँ पे भी टेंट लग रहा। अब हम दोबारा जाएंगे मेन रोड से, फिर सनवैली से घूमते हुए आएंगे। तो हम लोगों ने आके मतलब चाय पी ली थी, मैं दूध ले आया था, और अभी मैं और मम्मी जी बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं, मूंगफली उंगली खा ली, और अब डिनर करेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद भाई दबा के सोएंगे आज तो। चलो सासों से मिलते हैं हम डिनर टाइम पे। पर इस व्लॉग को एंड करने की, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। तो ठीक है आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह नए व्लॉग के साथ।